चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया की खतरनाक नई स्क्वाड घोषित। कप्तान रोहित शर्मा ने करवाए अचानक इन भूखे शेरों की एंट्री। तो जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अब माहौल गर्माने लगा है, इसीलिए भी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले टीम इंडिया को अब केवल 3 ही वनडे मुकाबले खेलने हैं और हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मुकाबलों की सीरीज समाप्त हुई है। उसके बाद काफी हद तक गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड की तस्वीर साफ कर दी गई है, क्योंकि अब ज्यादा कोई क्रिकेट वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया को खेलना नहीं है, केवल 3 ही तो वनडे मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलने हैं। और बाय द वे, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी अचानक टीम में एंट्री हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी मार्च में खेली जाएगी, हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होगी और इसके लिए टीम इंडिया की खतरनाक स्क्वाड की तस्वीर साफ कर दी गई है। कप्तान रोहित शर्मा होंगे, कोच गौतम गंभीर होंगे, उपकप्तान शुभमन गिल होंगे और इन सब ने मिलकर एक नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। चलिए आइए आपको एक एक करके पूरी स्क्वाड बताते हैं। लेकिन आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 जिसे आप उतारना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। तो पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आएगा। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट में अपने काबिलियत का लोहा मनवाया है, फिर वो चाहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पूरे सीरीज में ही शानदार परफॉर्मेंस हो और अब चाहे श्रीलंका के खिलाफ उन टर्निंग ट्रैक पिचों पर रोहित ने जो इंटेंट दिखाया वो हो। और आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए बड़ा तुरुपका इक्का रहेंगे। शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी और एज अ कैप्टन रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी दारमदारी रहने वाली है। रोहित शर्मा के पास वो इंटेंट नजर आता है, वो काबिलियत नजर आती है, बड़ी पारी खेलने की वो क्षमता नजर आती है। और वेल, रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में दोहरे शतक भी लगा चुके हैं तो इनकी काबिलियत से हर कोई वाकिफ है, पावर प्ले को डोमिनेट करना भी जानते हैं। इनके साथ में टॉप ऑर्डर में नाम शुभमन गिल का आएगा। जी हां, टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में अभिन्न हिस्सा है। शुभमन गिल के पास भी वो काबिलियत नजर आती है, वो टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की वो जज्बा और जुनून नजर आता है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन ये भारत की प्रथम चॉइस रहेंगे एज अ ओपनर वनडे वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब शुभमन गिल के पास वो तीनों ही गेयर नजर आते हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो इंटेंट नजर आता है। टॉप ऑर्डर में एक और नाम विराट कोहली का आता है। रन मशीन, चेज मास्टर, किंग कोहली, एक ऐसा खिलाड़ी जो वनडे फॉर्मेट की आन बान और शान है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका एवरेज वनडे फॉर्मेट में उतना है ना जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे बड़े मुकाबलों में परफॉर्म करने की आदत है, एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़े स्टेज पर अपने नाम का डंका बजाता है। पिछले काफी समय से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी रहे विराट कोहली भी इस स्क्वाड का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। विराट कोहली के पास वो काबिलियत है, वो नंबर 3 पर आकर गेम को चलाना जानते हैं। वनडे फॉर्मेट में जिस तरह की पारियां खेली जाती है, विराट शतकों के शतक वीर है। विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस यंग इंडियन टीम में। विराट एक्सपीरियंस नजर आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। मिडिल ऑर्डर में जो अगला नाम आएगा वो श्रेयस अय्यर का आएगा। जी हाँ, पिछले कुछ समय से श्रेयस अय्यर लगातार टीम का वनडे फॉर्मेट में हिस्सा रही हैं। वनडे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। फिट एंड फाइन ये खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के पास वो तीनों ही गेयर नजर आते हैं। जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो गेम को चलाने की काबिलियत है और ये वो मैच्योरिटी नजर आती है। नंबर 4 पर अब इस वक्त सबसे बेस्ट विकल्प अगर कोई है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तो श्रेयस अय्यर ही है। हाँ, हालांकि ये श्रीलंका के खिलाफ उतना अच्छा नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन श्रेयस अय्यर प्रथम चॉइस रहने वाले हैं। इनके साथ में नाम KL राहुल का भी रहेगा। KL राहुल जैसा खिलाड़ी अगर आपकी टीम में हो तो फिर आपकी टीम बड़ी मैच्योर नजर आएगी। KL राहुल के पास वो क्षमता नजर आती है। KL राहुल ने हालांकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज वो भारत की प्रथम चॉइस रहने वाले हैं। KL राहुल अच्छी फॉर्म ढूंढेंगे आने वाले मुकाबलों में और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलेंगे। देखिए, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर KL राहुल की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास वो मैच्योरिटी नजर आती है, इनके पास वो कूल माइंड नजर आता है। बड़े मुकाबलों का प्रेशर एब्जॉर्ब करना KL राहुल को बखूबी आता है। बड़े मंच के खिलाड़ी अभी तक नहीं बन पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इनका बल्ला आग उगलता हुआ नजर आए।
वेल, इनके आगे नाम ऋषभ पंत का आएगा। देखिए, ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे थे, लेकिन अचानक टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल में वापसी, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा। हालांकि एक मुकाबले में खेलने का मौका मिला, लेकिन उस मौके को नहीं भुना पाए। अब आने वाले मुकाबलों में ऋषभ पंत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम का अभिन्न हिस्सा रहने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और एक और नाम रियान पराग का भी दिया गया है। जी हां, रियान पराग की भी अचानक चैंपियंस ट्रॉफी में एंट्री करवाई जाएगी। मिडल ऑर्डर में रियान पराग आपके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की काबिलियत नजर आती है। वो रन अच्छे लगाते हैं, वो शॉट अच्छे लगाते हैं, और जिसकी वजह से इन्हें डेब्यू करने का मौका श्रीलंका के खिलाफ मिला। लेकिन इनकी काबिलियत है वो कि वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। मतलब बल्लेबाजी तो आपको करके देंगे ही, लेकिन एक पार्ट टाइम गेंदबाज के तौर पर भी आपकी उस जगह को और पुख्ता करेगा। तो ऐसे में इस खिलाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एज अ रियान पराग आपको इस स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंड पैकेज की, तो हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में बहुत आगे आता है। वेल, हार्दिक पांड्या भारत के 3D प्लेयर कहे जाते हैं। सही मायनों में अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम को बैलेंस प्रदान करता है तो वो हार्दिक पांड्या है। जरूरत पड़ने पर बल्ले से ये टीम इंडिया की नैया पार लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में रन बनाते हैं, तो गेंदबाजी करके महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाते हैं। हार्दिक पांड्या के पास वो काबिलियत नजर आती है, हार्दिक पांड्या के पास वो क्षमता नजर आती है। वेल, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए तुरुप कायका है। प्रेशर मुकाबलों में इनके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, बड़े मंच के ये भी खिलाड़ी बन चुके हैं, टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना चुके हैं। वेल, देखने वाली बात ये चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया किस तरह से डोमिनेट करती है हार्दिक पांड्या की अगुवाई में। वेल, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। फिर इनसे आगे जाएंगे तो आप पाएंगे रविंद्र जडेजा का नाम। देखिए, जडेजा टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। जडेजा का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट वनडे फॉर्मेट में तो नहीं है। जडेजा के पास वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की गेंदबाजी नजर आती है। जडेजा के पास वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी में गहराई नजर आती है। जडेजा के पास वो काबिलियत है, और जडेजा फील्डर के तौर पर टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। तो जडेजा भी आपको इस स्क्वाड में अभिन्न अंग दिखाई देंगे। जडेजा के बाद एक और ऑलराउंड पैकेज में नाम अक्षर पटेल का आएगा। देखिए, अक्षर पटेल टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। अक्षर पटेल के पास भी वो काबिलियत है कि वो बैटिंग में गहराई देते हैं, जरूरत पड़ने पर प्रेशर मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हैं, और उसके साथ में बल्लेबाजी के साथ में गेंदबाजी भी करके देते हैं, और उस लिहाज से भी अक्षर पटेल आपको चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में हिस्सा नजर आएंगे। तो अब तक हमने आपको 10 खिलाड़ी बताए हैं। वेल, अब आपको 5 गेंदबाज भी बताते हैं, जिसमें स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव का नाम आता है। कुलदीप यादव टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कहे जाते हैं। टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बाद तीसरा विकल्प कुलदीप यादव का, और एज अ स्पिनर पहला विकल्प रहेगा। इस खिलाड़ी के पास गेंद को ऐसे घुमाने की काबिलियत है ना कि इनके हाथ से गेंदों को पट पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बल्लेबाज भी चकाते हैं, पाकिस्तान तो इनके आगे नतमस्तक नजर आता है। बड़े मंच पर ये खिलाड़ी काफी परफॉर्मेंस दे चुका है पिछले कुछ समय से, इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कुलदीप यादव, आपके ऊपर बहुत कुछ रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में निर्भर। अब बात करते हैं 4 तेज गेंदबाजों की। तो पहले पायदान पर तेज गेंदबाजी में नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। वेल, जसप्रीत बुमराह की तारीफ में शब्द कम पड़ जाए। विराट कोहली ने कहा कि 8वां अजूबा है। इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के बिना आधी अधूरी नजर आती है। पिछले कुछ समय से जसप्रीत बुमराह ने जो काबिलियत दिखाई है, जो बड़े मुकाबलों में प्रेशर मुकाबलों में जो अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अनबिलीवेबल रहा है। और उसके लिए तो आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो ऐसे खिलाड़ी की जरूरत चैंपियंस ट्रॉफी में फिर रहेगी। वेल, इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो अर्शदीप सिंह का आएगा। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों ही अलग तरह के गेंदबाज हैं। बुमराह प्रेशर बनाते हैं तो विकेट अर्शदीप सिंह लेकर जाते हैं। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनके आगे नाम मोहम्मद शमी का आएगा। देखिए, मोहम्मद शमी जब इंडियन क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी में शामिल हो जाएंगे तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का ओहदा दोगुना हो जाएगा, और भारतीय गेंदबाजी मानो सम्मानित होगी मोहम्मद शमी की अगुवाई में। क्या ही गेंदबाज है ना मोहम्मद शमी, किस तरह से गेंदों को घुमाते हैं, अनबिलीवेबल है। उनके पास वो काबिलियत नजर आती है, वो बहुत बड़े मंच के खिलाड़ी है। मोहम्मद शमी की भी तारीफ में कम पड़ जाते हैं शब्द। वेल, शमी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आने वाले हैं। और आखिरी नाम तेज गेंदबाज में और इस स्क्वाड में आएगा वो प्रसिद्ध कृष्णा का आ सकता है या मोहम्मद सिराज का। ये देखने वाली बात रहेगी कि आप किसके साथ में जाते हैं। वेल, मोहम्मद सिराज प्रायोरिटी में आते हैं क्योंकि सिराज पिछले कुछ समय से लगातार इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं, इसलिए सिराज इस स्क्वाड में एंट्री मार जाएंगे। तो ये है प्रोबेबल स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी हमारी राय में
इस तरह से कुछ स्क्वाड रहने वाली हैं। वेल आपकी क्या राय है?